इसको फोकस कर सकते हैं, जैसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। एक बार दिखाना, देखो अभी दोबारा वापस करो, ये देखो करो एक बार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू ASG व्लॉग्स। तो गाइस टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12 और आज मैं जा रहा हूँ करोल बाग और मेरे साथ है धीरज भाई, धीरज ब्लॉग के नाम से उनका चैनल है, तो वो मेरे को आगे छतरपुर से ज्वाइन करेंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ गुड़गांव, घर से लगभग 35 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि भाई ब्लॉग वहाँ से स्टार्ट करेंगे घर से, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फालतू में टाइम वेस्ट की जगह आगे से गुड़गांव से ही कर लेते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ धीरज भाई के पास, उनसे मिलते हैं, उसके बाद करोल बाग जाते हैं। और करोल बाग का जो रीज़न है वो ये है, देखो फोगलाइट एक तो ये, और दूसरी तो टूटी गई थी संडे राइड पे, तो न्यू फोगलाइट इंस्टॉल करानी है। स्टेयरिंग डैम्पर एक आता है, मतलब आफ्टर मार्केट होता है, डैम्पर तो क्या होता है, बस एक थोड़ा सा स्पोर्ट मिल जाता है, तो एक वो लगवाना है अगर मिल गया तो। और नकल गार्ड्स वगैरह काफ़ी मॉडिफिकेशन आज मेरा कराने का मन है, तो करा लेते हैं। रैप वगैरह कलर पे जो ये इस पर पेंट के मार्क्स आ गए हैं, तो इनको रिमूव करा के इस पर थोड़ी सी लेमिनेशन वगैरह कराऊंगा, प्रोटेक्शन करवानी है बाइक की। भाई आज थोड़ा सा ना पैसा लगाने का मन है बाइक पे, तो अभी चलते हैं गाइस पहले धीरज भाई के पास और वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग बिना बोलने म्यूजिक डालने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलते हैं, वहीं पे मिलता हूँ डायरेक्ट आपसे। तो गाइस धीरज ने ज्वाइन कर लिया मुझे और अब जाएंगे करोल बाग, तो देखते हैं आज क्या क्या करवाते हैं। धीरज का प्लान था ये, मेरा तो प्लान था नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे ख़राब थी दो दिन से, जैसे ही संडे राइड से आया उस दिन ही तबीयत ख़राब हो गई थी। भाई कोरोना नहीं है, कभी कोई सोचे कोरोना है, बस वायरल फीवर हुआ था, तो ठीक हूँ अब, मेडिसिन वगैरह ले ली थी। तो अभी चलते करोल बाग और देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन कराते हैं। मोबाइल होल्डर लगवाना जो सबसे पहली नीड है, क्योंकि उसके बिना आज अब काम नहीं चल रहा। और सेकंड ये वाला हटा के जो इसका फ्लैशर आते हैं बढ़िया वाले लगवाने हैं, अभी इधर से लेना पड़ेगा, तो फ्लैशर लगवाने हैं। उसके बाद जो जो है वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और मैं मोटो ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रहा, मतलब चलते टाइम इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर रहा, क्योंकि माइक अडेप्टर भी आया नहीं है, मैंने ऑर्डर कर दिया है। माइक आने के बाद फिर आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी गाइस, जो विंड ब्लास्ट वगैरह है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं आपको करोल बाग पहुँचने के बाद। ये रहे धीरज भाई आपके, धीरज ब्लॉग करके इनका चैनल है। KTM पे जिनको कोई भी अगर इशू हो KTM से रिलेटेड, तो भाई सारी क्वेरीज इनके चैनल पे आपकी ख़त्म हो जाएंगी जो भी है। भाई एक से एक वीडियो बनाते हैं, मेरे को नहीं लगता कि KTM का किंग इनके अलावा कोई है आज के टाइम में इंडिया में, क्योंकि फोर वीडियो जो भी है इनकी KTM से रिलेटेड है, 95% जो चैनल पे वीडियोज हैं, और एक एक अपडेट मिलता है आपको। तो भाई को जाके सब्सक्राइब करो, स्क्रीन पे इनके चैनल का नाम आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो जाके भाई को सब्सक्राइब करो। तो अभी चलते हैं गाइस करोल बाग, मिलते हैं आपसे वहीं पे, काम कराते हैं आज, दिखाते हैं थोड़ा बहुत, तो चलिए। सो गाइस काम बाइक का स्टार्ट हो चुका है, और एक बार देख लो अब की बार होल करवा के इसमें फोगलाइट लगवाई, क्योंकि जो पीछे गिर जाती थी ना जो तुमने देखी होगी, तो आज इसके साथ में पूरा काम परफेक्ट करवा दिया, क्लैंप नहीं लगवाई। और इसके बाद इसका विंडशील्ड भी चेंज कराएंगे, और काफ़ी काम कराना है इसमें, रैपिंग वगैरह भी जो मैंने बताया था, तो एक बार देख लो। दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको, ड्रिल से होल करवा के आपकी बात इसमें पूरा काम करवाया परफेक्ट, और विंडशील्ड जो लगेगी उसके बाद दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या काम हुआ है जो इसके साथ होगा। विंडशील्ड भी चेंज कराई आज, पहले फुल ब्लैक थी अब ट्रांसपेरेंट है थोड़ी, और फोगलाइट चेक कर लो एक बार, इनका विजन तो रात में ही बता पाऊंगा। और साथ में मोबाइल होल्डर अपग्रेड कराया है, साथ में ये सिमटेक का जो नया फ्लैशर है वो इंस्टॉल कराया है, तो इसमें अब मोड चेंज करने के बाद अगर ये स्विच एक बार ऑन कर दिया तो उसके बाद उसी पे सेम रहेगा, इसलिए मैंने एक सेकंड करो एक बार करो करो एक सेकंड ठीक है, उससे चेंज होते हैं ना पैटर्न, हो गए चेंज। अब एक बार बंद कर दो, ऊपर से बंद करो, दोबारा ऑन करो,
उसी पैटर्न में सेम ऑन हो जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हाँ इसमें कट ऑफ है। हाँ ठीक है, अच्छा कैसे मतलब जैसे लेफ्ट में कर दिया, एक ये फीचर भी है भाई, अब बंद करना लेफ्ट को, सही है ये फीचर बेस्ट है, ये मेरे को नहीं पता था। और एक बार देख लो ये फोग लाइट का स्विच भी चेंज कराया, एक बार आगे दिखा देता हूँ आपको, अभी दिन में इतनी लाइट नहीं है तो रात में तो बहुत सही हो जाएगी। हाँ इसको फोकस कर सकते हैं, जैसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, एक बार दिखाना देखो, अभी दोबारा वापस करो, ये देख लो करो एक बार, तो थम्स अप है गाइस। अब और जो मॉडिफिकेशन कराते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो गाइज फाइनली वर्क इज डन, और काफ़ी खर्चा हो गया यार, बस क्या बोलूँ। ₹8500 ऑन माई डोमिनार। सो गाइज फाइनली कपार मार्केट से भी और क्रोल बाग से भी अपना काम निपटा के आ चुका हूँ, और टाइम हो गया है 5:32। तो टोटल आज की कॉस्ट बताता हूँ मैं आपको, बाइक में टोटल खर्चा आया है आज ₹8500, और भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, बस क्या बताऊँ। ऊपर से फिर मैंने सोचा कि भाई मोबाइल के कवर्स वगैरह भी लेने थे एक दो, तो वो भी ले लिए। तो अभी जा रहा हूँ घर, और घर यहाँ से होगा ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर, तो चलते हैं गाइस। और अगर किसी को भी जो मॉडिफिकेशन मैंने कराया है आज तक डोमिनार पे, तो उसकी पूरी वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो, जैसे कि मैंने न्यू स्विच लगवाया है, मिंडा का ओरिजिनल है, और सिमटेक के जो अपने हजार्ड लाइट्स है वो लगवाई है, और फोग लाइट्स तो बाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सबसे कॉस्टली भी यही है। तो अगर इनके बारे में पता करना है तो कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में कभी भी मैं इनका रिव्यू दूंगा कि नाइट में इनका विजन कैसा है। और जैसा मैंने समझाया था कि इनको ऐसे खींचने से इनका फोकस जूम हो जाता है, मतलब लंबा जाता है, तो वो भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो। जब अभी इसका तो विजन है वो तो नाइट में बता पाऊंगा, क्योंकि अभी तो दिन में तो कोई पता ही नहीं चलना। तो अभी चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम गाइस।